सभी को नमस्कार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हम अनेक स्पर्धाएं आयोजित करते हैं, उसमें निबंध लेखन और भाषण की स्पर्धा भी होती है, जिसके लिए उपयुक्त जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में गांधी जयंती पर निबंध लेखन, इस बारे में हम जानकारी देखेंगे जो आपके लिए उपयुक्त है। तो चलिए देखते हैं आज का निबंध। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आजादी दिलाई। वे केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थ में युग पुरुष थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, जिसके कारण उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी केवल एक देश के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। उन्होंने अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आजादी दिलवाने का सोचा था और कई हद तक सफल भी हुए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता रहे। उन्होंने संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर भारत को आजादी दिलाने का ऐतिहासिक काम किया था। हमारे बापूजी के महान कार्य को सलाम करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के इस कार्य को सही मायने में सफल बनाने के लिए उनके बताए विचारों को अपनाकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सत्य प्रेम का पथ अपनाकर, सत्य प्रेम का पथ अपनाकर, क्षमा कर्म के भाव जगाकर, युग का था अभिशाप मिटाया, स्वतंत्र भारत हमें दिलाया, स्वतंत्र भारत हमें दिलाया। धन्यवाद। इस प्रकार दोस्तों, अलग अलग विषयों पर लिखे जाने वाले निबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, निबंध के साथ हमारे कई वीडियो में गांधी जी के शायरी और अनमोल विचारों को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।